जय जिनेन्द्र। दर्शकों स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों शाश्वत तीर्थराज समवेत शिखर जी की पावन भूमि पर स्थित त्रियोग आश्रम के पावन प्रांगण में आजीवन अन्न एवं शर्ट त्यागी स्थिराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से एवं बालाचार्य श्री मोक्ष सागर जी महाराज व मुनि श्री समय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में और गणनी आरिका पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल मार्गदर्शन एवं बाल ब्रह्मचारी त्रियोग आश्रम अधिष्ठाता प्रदीप भैया जी के निर्देशन में 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान पूर्णाहुति महोत्सव 19 मई से 5 जुलाई तक किया गया। इस दौरान तकरीबन संपूर्ण भारत से 150 परिवारों से अधिक लोगों ने अपने अपने नाम से भक्तांबर महामंडल विधान को करवाकर पुण्यार्चन किया, जिसके 7 जुलाई को आजीवन अन्न एवं शर्ट त्यागी स्थिराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव का 58वां संयम उत्सव दिवस मनाया गया। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम की अनूठी पेशकश। 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान की पूर्णाहुति 5 जुलाई को हुई, जिस दिन भक्तांबर महामंडल विधान के 48वें काव्य के साथ में विधान का समापन हुआ। 5 जुलाई को कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत भगवान की जिन सहस्रनाम शांति धारा नित्य मह पूजन के साथ प्रारंभ हुई। श्रीमते पवित्र तर नारिकेल रस धारा कर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों ह्रं अस्माकम् आचार्य शंभो सागर शांति भगवन जिनेन्द्रा करो तो शांति भगवन जिनेन्द्रा बोले शांतिनाथ भगवान ने की जय। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने चैतन्यमती माता जी के मार्गदर्शन में भक्तांबर के 48वें काव्य के साथ में विधान में बैठकर अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्चरा की। स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपस्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीया स्वस्ति स्वस्ति श्री वशुपो सायंकाल की पावन वेला में समधुर भजनों के मध्य भक्तों ने झूमते गाते हुए 48 दीपकों को प्रज्वलित करते हुए भक्तांबर दीपार्चना कर अपने जीवन के असीम पुण्यों को प्राप्त किया। छह जुलाई को इस विधान की पूर्णाहुति हुई, जिसमें 48 दिवसीय संपन्न हुए भक्तांबर महामंडल विधान का हवन किया गया, जिसकी शुरुआत प्रातः काल की बेला से प्रभु के नित्य मह पूजन अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। यदि गुरु के चरणामृत का पान किया जाए तो समस्त पुण्यों का लाभ मिल जाता है, ऐसी ही धारणाओं के साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को सफल बनाया। गुरु पर के चरण का प्रक्षालन करो रे, बंदे
तत्पश्चात 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान समापन एवं जाप्य हवन पूर्णाहुति की गई, जिसमें धर्मानुरागी बंधुओं ने विश्व कल्याण की मंगल भावना भाते हुए हवन में पूर्णाहुति प्रदान की। ओम अग्नि प्रज्ञाय, ओम अग्नि अनुसराय, ओम अग्नि मेत्राय, ओम अग्नेय, ओम अनिलाय, ओम वरुणाय, ओम सोमाय, ओम प्रजापते, ओम ओम क्रोम ह्रीम शिलगंधाय नमः चंदनम समर्पयामि स्वाहा, अक्षतम क्रोम विमलाय नमः पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। सायंकाल की पावन बेला में प्रभु की महाआरती की गई, जिसमें भक्तों ने 48 दीपकों को प्रज्वलित करते हुए भक्तांबर दीप महाआराधना की। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं ने भक्ति गीतों पर मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित एक महानुभाव दांपत्य जोड़ी को अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के पावन अवसर पर पूज्य माताजी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म के एक अत्यंत धर्मानुरागी बंधु सत्येंद्र जी को उम्र का एक पड़ाव पार करने के पश्चात जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने के मनोभाव उत्पन्न हुए, जिनका गोद भराई कार्यक्रम माता जी ने अपने निर्देशन में संपन्न करवाया। इस अवसर पर 7 जुलाई को परम पूज्य आजीवन अन्य एवं षटरस त्यागी स्थिराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव का 58वां संयम उत्सव वर्ष मनाया गया। इस कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत प्रातःकाल की बेला में भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने धर्म ध्वजाओं को हाथों में फहराकर समस्त नगरी में धर्म की प्रभावना की। तत्पश्चात इस अवसर पर नव प्रतिष्ठित मान स्तंभ का प्रथम महामस्तकाभिषेक किया गया। तो वही अब समय था वृहद शांति धारा करने का, जिसमें श्रावकों ने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी सहभागिता निभाई। वह मनुष्य अत्यंत ही त्यागी होता है जो अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसे ही मनोभाव सत्येंद्र जी को भी उत्पन्न हुए, जिनको पूज्य गुरुदेव ने अपनी दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर संपूर्ण रीति रिवाज से जैनेश्वरी शुल्लक दीक्षा प्रदान की। पिच्छी संयम का एक उपकरण है, जिसमें जैन संत चरित्र का निर्वहन करते हैं। इसी प्रकार आचार्य श्री ने भी दीक्षा प्रदान करते समय शुल्लक जी को पिच्छी की भेंट की।
कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए गुरुदेव के 58वें संयम महोत्सव को मनाया गया। भक्तों को इस अवसर पर गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जग विषयों में रच पच कर कापिल निद्रा में सोता। संयम महोत्सव के दिन श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को नवीन पिच्छिका एवं शास्त्र भेंट किए, जिसके फलस्वरूप महाराज जी ने अपनी पुरानी पिच्छी अत्यंत सौभाग्यशाली एक धर्मानुरागी बंधु को भेंट स्वरूप समर्पित की। गुरुवर ने कुछ हो करके हाथ में थाम लिया है। पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो। ओ तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर जस जाने न पाया। इस मांगलिक घड़ी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ, जिसे देख दर्शक आनंदित हो गए। इस अवसर पर सम्मेलन शिखर जी में विराजमान 100 से अधिक साधु संतों का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। संयम महोत्सव के दिन पुण्य कमाने भारत वर्ष के अनेक स्थानों से पूज्य गुरुदेव के परम भक्त पधारे, जिन्होंने अष्ट द्रव्यों से आचार्य श्री का पूजन किया। तो वहीं पूज्य गुरुदेव के पूजन के उपरांत विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित संतों ने महाराज की दीक्षा जयंती पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। पूछे आचार्य महाराज संभव सागर जी को 58 वर्ष जिनेन्द्र भगवान का रूप धारण किए हुए हो गए। गुंगा इंसान कभी गीत गा नहीं सकता है, ठहरा हुआ पांव कभी मंजिल को पा नहीं सकता है। जिनको ऐसे सवीराचार्य जैसे गुरु का सानिध्य मिल जाता है, वो भक्त कभी भी अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता है, अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता है। आज जब यहाँ से उठ के घर की ओर जाओ तो खाली नमोस्तु मत करना, कहना गुरुदेव एक ना एक नियम जरूर हम दे दो, क्योंकि दीक्षा जयंती तभी तो होगी। हम कभी याद करेंगे कि महाराज जी ने हमको एक नियम दिया था। ऐसे गुरुदेव संभव सागर जी को हम उनके 58वें दीक्षा दिवस पर पूरे चतुर्विध संघ की तरफ से, मुनि आरिका छुल्लक छिल्लिका सब लोगों की तरफ से, सिद्ध शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक का करोड़ों बार अनंतों बार नमोस्तु और निवेदन करते हुए उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद यहाँ जब तक है हमारे साथ बना रहा है, और कहीं भी रहे वो उनका आशीर्वाद जब तक हमको मोक्ष न मिल जाए तब तक। अंततः आजीवन अन्न एवं शतरस्त्यागी स्थिराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव ने अपने 58वें संयम उत्सव के पावन अवसर पर अपने आशीर्वचन से सभी को भक्ति भावों से ओतप्रोत कर दिया। भाव शून्य, भाव शून्य है क्रिया भी सफल नहीं होता, इसलिए भाव के अनुसार क्रिया होने से क्रिया के अनुसार भाव होना चाहिए। ऑल इज वेल इफ एंड वेल, अंत भला तो सब बड़ा है। सभी चाहते हैं मेरा भी कल्याण हो, इसके लिए क्या करना होगा? ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस ट्राई अगेन। पुरुषार्थ करते रहने से एक एक बूंद मिलकर के भी गढ़ा भर जाता है। वैसे आप भी विश्वास, आज रवि पुषा नक्षत्र में एक एक बूंद में भी आप त्याग करेंगे, एक दिन आप भी जो है महान संत बनेंगे। विदेश क्षेत्र में भी एक वर्ष उपवास करके ध्यान करने वाले साधु आज भी है, समझे? क्या ऐसे साधु बने हैं, स्वाद छोड़े
साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल फल चाकन मिले, गिरे तो चकना चूर। इसलिए हमारे जीवन में आत्मा की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, सभी बराबर है, समझे। हमारे आत्मा में सिद्ध आत्मा में भी कोई फर्क नहीं है, समझे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, इसलिए हम हिंदुस्तानी। हाँ, अब हिंदू धर्म नहीं होता है, हिंदू धर्म बोलना और मुसलमान धर्म क्रिश्चियन धर्म बोलना, ये सब 363 मत में भी धर्म धर्म चिल्लाते हैं। सच्चा धर्म तो आत्मा का धर्म है। मैं संतोष जैन बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं अभी 3 दिवसीय प्रोग्राम में समय शिखर त्रियोग आश्रम में आया हूं और 3 दिन में यहां पे एक भक्तामर विधान प्रोग्राम चल रहा था 48 दिन से, उसमें हमने अच्छा सा प्रोग्राम संपन्न हुआ। यहां पर दूसरे दिन हवन का प्रोग्राम था, वो भी बहुत अच्छी धूमधाम से हुआ। दीक्षा दिवस का प्रोग्राम था, बड़े महाराज संभव सागर जी के 58वां दीक्षा दिवस प्रोग्राम था, वो भी अच्छे से संपन्न हुआ। यहाँ पीछे माणक स्तंभ का महामस्त अभिषेक हुआ जिसमें अच्छे से प्रोग्राम रहा और हमारे को यहाँ आने के बाद बढ़िया रहा, सब प्रोग्राम अच्छे निर्विघ्न सुख शांति पूर्वक संपन्न हुए और सुलग दीक्षा हुई, यहाँ पे सभी प्रोग्राम अच्छे से हुए। वहीं संध्या काल की पावन वेला में महाआरती के साथ इस भव्य महोत्सव को विराम दिया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने ज्ञान रूपी लौ प्रकाशित कर पूज्य गुरुदेव की आरती उतारी। दर्शकों, आप देख रहे थे शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की पावन भूमि पर स्थित त्रियोग आश्रम के पावन प्रांगण में 19 मई से 5 जुलाई तक आयोजित हुए 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान पूर्णाहुति महोत्सव विधान की पावन झलकियां। तो दर्शकों, अभी के लिए इस प्रस्तुति में इतना ही, पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेन्द्र।